मैंने कहा यह परिवार है, परिवार में अलग व्यूज होते हैं। हमारा आरएसएस वाला परिवार नहीं है जहां पे एक व्यक्ति पूरा का पूरा डिसाइड कर देता है, हमारा दूसरा तरीका है। हम सबकी आवाज सुनना चाहते हैं मगर मीडिया में नहीं, बंद कमरों में। जैसे परिवार बात करता है वैसे शिकायत है, कंप्लेंट है, हमारे इंटरनल सिस्टम है, उस सिस्टम में जितनी भी आपने बात बोलनी है खुल के बोलिए। मगर अगर कोई मीडिया में जाके बाहर बोलता है तो वो कांग्रेस पार्टी को डैमेज कर रहा है। इस प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के बाहर बहुत सारे युवा हैं, बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे हमारे पुराने वर्कर्स हैं जो कांग्रेस की विचारधारा को मानते हैं, समझते हैं और चाहते हैं। हमें उन लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी के दरवाजे खोलने चाहिए। उन सबको मैं इनवाइट करता हूं कि आप कांग्रेस पार्टी में आइए, आप हमारी विचारधारा को मानते हो, आप आओ, अंदर आओ और हमारे साथ मिलकर केसीआर और टीआरएस से लड़ो। मैं आपको भी इनवाइट करता हूं, तेलंगाना के युवा को, कि आप कांग्रेस पार्टी में आइए और तेलंगाना को बदलने का काम कीजिए। सोनिया जी ने आपके साथ तेलंगाना का सपना देखा था और सोनिया जी ने स्टेटहुड आपको दिया और कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ, मगर हम आपके साथ खड़े रहे क्योंकि आपकी लड़ाई सच्चाई की लड़ाई थी। मैं तेलंगाना की जनता के साथ आपके सपने को पूरा करना चाहता हूं। इट्स ग्रेट टू सी यू हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वर्क। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब येट, डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू वोजो स्टोरी एंड सपोर्ट इंडिपेंडेंट रोबस्ट जर्नलिस्ट।